ये मूवी एक छोटी सी लड़की और एक यंग मैन के बीच फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। लड़की का नाम होतारू होता है और यंग मैन का नाम गिन होता है। गिन एक श्रापित आत्मा है जो हमेशा मास्क लगाए रहता है। जब होतारू 6 साल की थी तब वो गलती से जंगल में चली जाती है, पर जब होतारू को जंगल से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। कुछ देर तक रोने के बाद होतारू को एक पेड़ के पास खड़ा एक मास्क पहना हुआ आदमी आवाज़ देता है। ये आदमी गिन रहता है। गिन को देखकर होतारू खुश होकर गिन को गले लगाने के लिए दौड़ती है, पर गिन हट जाता है और होतारू गिर जाती है। गिन होतारू से कहता है कि मुझे मत छूना वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। गिन एक लकड़ी के सहारे होतारू को जंगल से बाहर निकाल देता है। होतारू जहाँ से जंगल के अंदर गई थी वहाँ पर गिन होतारू को लेकर छोड़ देता है और आगे का रास्ता बता देता है। होतारू अपना नाम बताकर गिन का नाम पूछती है, पर गिन कोई जवाब नहीं देता। पर होतारू कहती है कि कल मैं फिर आऊँगी यहाँ पर एक थैंक यू प्रेजेंट लेकर। वो जाने लगती है, फिर गिन अपना नाम बताकर गायब हो जाता है। अब इस मुलाकात के बाद होतारू गिन से रोज मिलने आने लगी। वैसे जिस जंगल में गिन रहता था उस जंगल के आसपास के गांव वाले का कहना था कि इस जंगल में देवता और आत्माएं रहती हैं। इस वजह से उस जंगल में कोई नहीं जाता था और ये जंगल होतारू के दादाजी के घर के पीछे था जो कि काफ़ी नज़दीक था। होतारू अब गिन से रोजाना मिलने जाने लगी और उस जंगल में गिन के साथ खेला करती। एक बार जब गिन जंगल में होतारू के साथ घूम रहा था तब जंगल के देवता और आत्माएं गिन को रोककर गिन को वार्निंग देते हैं कि होतारू के एक बार टच करने से वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि होतारू एक इंसान है और गिन एक श्रापित आत्मा है और उसे कोई अगर इंसान ने छू लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। असल में ये एक श्राप नहीं बल्कि एक मंत्र होता है जो गिन के ऊपर स्थापित था। जब गिन एक छोटा बच्चा था तब किसी ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। बहुत देर तक गिन रोता रहा, तब जंगल के देवता आकर गिन के ऊपर एक मंत्र स्थापित करते हैं और तब से जंगल के आत्माओं और देवताओं के साथ रहने लगा था। अब गिन देवता और आत्माओं को कहता है कि वे ठीक है, पर देवता होतारू को गिन को कभी ना छूने को कहते हैं। अब होतारू की ये गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और वह वापस शहर चली जाती है। और अब हर साल अपने समर वेकेशन में होतारू उस जंगल में गिन से मिलने और उसके साथ खेलने के लिए जाने लगी। अब क्योंकि गिन एक आत्मा है इसलिए गिन की एज नहीं बढ़ती और वे जवान ही रहता है, लेकिन होतारू बड़ी होती जाती है और वो गिन को छूना चाहती है लेकिन गिन को टच नहीं कर सकती क्योंकि गिन को छूने पर वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। टाइम बीतता ही जाता है और होतारू की गिन को छूने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। अब होतारू को कहाँ पता कि उसकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली भी है और अधूरी भी। कई साल बीत जाने के बाद होतारू अब हाई स्कूल में चली जाती है और उस साल के समर वेकेशन में होतारू फिर अपने दादाजी के घर जाती है और घर जाकर सीधा गिन से मिलने जाती है। वह गिन से मिलती है और गिन होतारू को देखकर काफ़ी खुश होता है। वे दोनों अब जंगल के अंदर चले जाते हैं और एक नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं और अब रोज़ रोज होतारू गिन से मिलने लगी। एक दिन गिन होतारू को जंगल में होने वाले गर्मियों का फेस्टिवल जो कि जंगल में रहने वाले आत्माओं द्वारा मनाया जाता है उसमें आने को कहता है। गिन कहता है कि वह इस फेस्टिवल में हमेशा से उसके साथ जाना चाहता था। अब गिन की ये बात सुनकर होतारू काफ़ी खुशी के साथ हाँ करती है। फिर गिन होतारू को रात 8 बजे उसी जगह पर आने को कहता है जहाँ हर रोज़ होतारू गिन से मिलती है। रात को होतारू गिन से मिलती है और फिर वो दोनों फेस्टिवल में चले जाते हैं। फेस्टिवल को काफ़ी वो एंजॉय करते हैं। बहुत देर तक फेस्टिवल में रहने के बाद गिन होतारू को घर छोड़ने के लिए लेकर आ रहा होता है। वे रास्ते से आ ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ बच्चे गिन के बगल से दौड़ते हुए जा रहे थे कि तभी उसमें से एक बच्चा गिरने वाला होता है कि गिन उसे पकड़ लेता है। वह बच्चा तो बच जाता है पर गिन को पता नहीं होता है कि वह बच्चा आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान था। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं गिन का शरीर हवा में गायब होने लगता है। ये देखकर होतारू चौंक जाती है क्योंकि होतारू ने तो गिन को छुआ ही नहीं था, तो वो समझ जाती है कि वे बच्चे इंसान थे पर वह अब कुछ नहीं कर सकती थी और वह रोने लगती है। पर गिन खुश होकर होतारू को कहता है कि अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ और गले लगाने को कहता है। होतारू भागते हुए गिन को गले लगाती है और देखते ही देखते गिन पूरी तरह से हवा में गायब हो जाता है। अब गिन मर चुका होता है और बस होतारू के हाथ में गिन के कपड़े और वह मुखौटा रह जाता है। उस जंगल के सभी आत्माएं होतारू को थैंक्स कहते हैं क्योंकि गिन किसी आसान को छूकर उस जंगल से मुक्त होना चाहता था जो कि उस
कि ये इच्छा होतारू ने पूरी कर दी थी उसे गले लगाकर। और वैसे भी होतारू की भी ये इच्छा थी कि वो उनको एक बार छूए, और शायद गिन की भी यही इच्छा रही होगी कि वो भी एक बार होतारू को छूना चाहे। और गिन के खत्म हो जाने के बाद यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। एंड इस मूवी की लेंथ 45 मिनट की थी। तो गाइस इस मूवी की एंडिंग तो फिलहाल यहीं पे हो जाती है, और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इस मूवी को डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने बता रखा है विद लाइफ यू। एंड गाइस अगर आपको एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो कैसी बनी है।